नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इस गर्मी के सीजन में आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है, और मैं आपको दो कंपनियों के बारे में बताऊंगा। दोनों कंपनियों के बारे में इस गर्मी के सीजन में इस शेयर के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहली कंपनी मैं आपको बताऊंगा, ये कंपनी है ब्लू स्टार लिमिटेड। ये ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी करती क्या है, तो आप इसके अगर हम बात करें तो ये इसका जो कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी है, और ये आपके गर्मी में इसकी आपने एसी देखी होंगी, आपके जो किसी ऑफिसों में जाते हैं वहां पे भी आपको ब्लू स्टार की एसी मिल जाएगी, और ये बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में आप अगर पैसा लगाएंगे तो इनका जो है अभी निवेश का प्लान भी बहुत अच्छा है, इनके जो अभी रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर हुए थे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए थे, और इसने अभी लेटेस्ट में कल जो है इसका डे लो 682 का डे लो था, और इसने डे हाई जो शुक्रवार के दिन 709 रुपए का डे हाई इसका लगा था। मतलब इसने काफी अच्छा एक दिन में अच्छा मूव दिया था, उसके बाद ये जो है क्लोज हुआ है तो इसकी क्लोजिंग तो इतना वो नहीं रहा, बट ओवरऑल अगर इस कंपनी की बात करें तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और इसका इसमें आपको निवेश करना चाहिए। बता देता हूँ मैं, इसका 52 वीक्स अगर इसकी लो की बात करें तो 508 रुपए का इसने लो लगाया है, इसकी हाई है 806 रुपए का 90 पैसे का इसने हाई लगाया है। तो अभी फिलहाल ये जो है 698 रुपए पे बात काम कर रहा है, और कल भी इसने 3-4% का मूव इसने दिखाया था लास्ट सेशन में। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी ने मतलब अभी और इस टाइम क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं तो इसलिए इसका और भी आगे जाने की उम्मीद है, आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। अब इसका अगर बात करते हैं एक साल के रिटर्न की बात में, तो एक साल में इसका जो रिटर्न रहा है वो निगेटिव रहा है, पर अगर 6 महीने के रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में इसने 22% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत अच्छा है। और इसकी शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए की है, और अभी आपको बताया था इसने एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो डिविडेंड इसका है वो 10 रुपीज है इसने पर शेयर डिक्लेयर किया है। अभी इसका बहुत अच्छा डिविडेंड आपको मिलेगा, ये अपने अभी पी के 35 के पी पे आपके अवेलेबल है। इसकी ईपीएस करे तो बहुत मजबूत है, 19.50 का ईपीएस है। ईपीएस होता है कि अर्निंग पर शेयर होता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। पी इसका है 7.7 के पी पे, जो इसके पीओ बुक है वो इतने डिलीवरी अगर बताए तो आगे जो लास्ट सेशन में जिसकी डिलीवरी गई है 48% की शानदार डिलीवरी गई है। अब इसका डिविडेंड यील्ड है तो डिविडेंड यील्ड भी इसका बहुत अच्छा है, 1.5% के आसपास का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो इस कंपनी में आपको बताता हूँ सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, और ये गर्मी का सीजन, तो गर्मी के सीजन में होता क्या है कि गर्मी के सीजन में ये कंपनी आपको पैसा बना के देगी। आपको जैसे कि पता है गर्मी के सीजन में ही एसी वगैरह ज्यादा चल लगती है, और इसका जो और भी कई सेगमेंट में काम कर रही है, तो बाकी इसका मेन सेगमेंट एसी का ही है। तो इस एसी के लिए आप इसे गर्मी को देखते हुए आप इसमें बाइक में आपको रिकमेंड करूंगा, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे। अब देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का 703 पे, और उसके बाद अपर रेजिस्टेंस पड़ता है, और नीचे का रेजिस्टेंस 692 पे पड़ता है। तो अगर जो दो अगला रेजिस्टेंस ये पड़ रहे हैं, पर इसका सपोर्ट 675 पे है, और फिर 667 पे इसका सपोर्ट है। तो अभी अगर बात करते हैं मूविंग एवरेज 20 डेज की, तो 678 का मूविंग एवरेज इसका 6 का है, और 200 डेज डेमा इसका है 633 का। और इसने अगर बात करते हैं, इसने पिछले साल 75 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, और जो है 425% इसने 75% का स्पेशल डिविडेंड और 425% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, कुल मिला के 500% का डिविडेंड दिया था। तो 500% का डिविडेंड इसका 10 रुपए के आसपास बैठता है, क्योंकि आपको पता है इसकी फेस वैल्यू 2 रुपए है, तो 2 रुपए के हिसाब से अगर 500% का डिविडेंड देखें, 10 रुपए इसने पिछले साल भी डिविडेंड दिया था, इस बार भी 10 रुपए ही डिविडेंड दे रही है। तो जो कि आपका इसका पिछला डिविडेंड आपको जुलाई में मिला था, तो इस बार भी जुलाई में ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। अभी डिविडेंड का होता क्या है, कंपनी के बोर्ड ऑफ उसमें जाएगा, बोर्ड में जाएगा, बोर्ड इसको पास करेगा। अभी आपको बताता हूँ, अगर एक साल में अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए का लगाया होता तो आपका 87,115 रुपए तकरीबन बचा होता, जिसमें कि आपको 12% का नुकसान होता। पर क्योंकि अभी अगर इसकी बात कर लें तो अभी 6 महीने के रिटर्न के हिसाब से तो इसने 22% का रिटर्न दिया, अब आगे ये बढ़ेगा ही, ऐसे कोई वो नहीं दिक्कत नहीं है कि नहीं घटेगा, ये बढ़ेगा। इससे पहले भी इसने जुलाई 2017 में भी अगर बात करें तो 375% का इसने डिविडेंड दिया था। तो ये डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है, और आप इसमें पैसा ही बना सकते हैं। अगर हम इसकी अगर पेयर कंपनी से बात करें तो बीईएल इसकी जो पेयर कंपनी है, तो पेयर कंपनी बीईएल जो अभी आपको मिल रही है 15 के पी पे अवेलेबल है, और
हनीवेल ऑटो, ये 63 के पी पे अवेलेबल है और 34 के पी पे वर्लपूल इंडिया है। पर वर्लपूल इंडिया और हनी जो वेल है, इन्होंने रिटर्न तो अच्छा दिया है, पर इसका वर्लपूल का तो -11% का रिटर्न 1 साल का रहा है, जबकि हनीवेल ने 1 साल में 25% का रिटर्न दिया है। अब मैं आपको बात करता हूँ, अगर इसकी तो इसका पी जो है 35 का है, तो 35 किसी जिस कंपनी का पी अच्छा होता है, ज्यादा होता है, तो कभी तो कंपनी आपको वैल्यूएशन हाई है, मतलब कंपनी अच्छी है। अगर वैल्यूएशन लो होते कम पे की पी पे मिलता तो वो भी अच्छी बात होती है कि आपको सस्ती कंपनी मिल रही है, पर अगर वैल्यूएशन हाई है तो मतलब है कि कंपनी क्वालिटी कंपनी है। तो इसमें आप दोनों तरीके से जिस तरीके से भी देख सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें, तो नेक्स्ट कंपनी इसी सेगमेंट की, कंज्यूमर सेगमेंट की है, जिसका नाम है सिम्फनी। अगर सिम्फनी की हम बात करते हैं, तो सिम्फनी कंपनी भी सेम सेक्टर की है, और सिम्फनी का भी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा इसका भी है, और इसका इसने भी 1 साल में 26% का रिटर्न दिया है। पर अगर इसके बात करते हैं सिम्फनी के बारे में, तो सिम्फनी और ब्लू स्टार दोनों की कंपनी बहुत अच्छी जबरदस्त कंपनियां हैं। सिम्फनी ने भी 1 साल में बहुत निगेटिव रिटर्न दिया, पर 6 महीने का रिटर्न इसका भी बहुत जबरदस्त शानदार 36% का रिटर्न है। और अगर कल की बात करें, तो कल इसने 1354 का लो, और कल का मीन्स लास्ट सेशन में 1354 का लो और 1393 का हाई बनाया था, तो काफी अच्छा उछाल इन दोनों स्टॉक में देखा गया था। तो इन दोनों स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। इसका 52 डे जो हाई है 1828 का है और लो है 815 का, तो अभी अपने हाई से बहुत पीछे है, बहुत सस्ते वैल्यू पे आपको मिल रहा है। आप इस कंपनी के ऊपर भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट 6 महीने का जो रिटर्न है वो 36% का है। तो ये जो समर सीजन है, इन दोनों ही कंपनियों के लिए बहुत अच्छी है। आप इसका अगर पी देखें तो 74 के पी पे अवेलेबल है, इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये इसकी भी है, और ईपीएस इसका है 18.56 का ईपीएस है, और प्राइस बुक इसकी 14.98 की है। और इसकी डिलीवरी देखो, तो डिलीवरी इसकी ब्लू स्टार से तो कंपेरेटिव अगर इसकी देखो तो कम है, इसकी 28% की, उसकी 46% की थी, पर इसकी डिविडेंड यील्ड भी ब्लू स्टार से कम है, इसकी 30.33 की डिविडेंड यील्ड है, जबकि उसकी डिविडेंड यील्ड ब्लू स्टार की 1 पॉइंट समथिंग थी। तो आप देख सकते हैं, पर अगर बात करें क्या बोलते हैं इसने, तो पिछले इसने 2018 में इसने 50% इंटरम डिविडेंड में, मतलब इसने 1 रुपये डिविडेंड दिया था, और इसी के बाद इसने इसके बाद 2018 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार और दिया था 50% डिविडेंड। तो इस तरीके से राइट इश्यू भी 75% दिया था, और नीचे 50% का स्पेशल भी था। तो मतलब कुल मिलाकर इसका ही पैटर्न सेम उसी तरीके से है जिसका ब्लू स्टार की तरह है। इसकी पीयर कंपनी भी जैसे वही सेम कंपनियां हैं, जो कि अगर टीटी के प्रेस्टीज की बात करें, तो उसने लास्ट एक ही साल में 31.32% का रिटर्न दिया है। तो इनके अगर मैं दोनों कंपनियों की बात करूं, सिम्फनी और ब्लू स्टार की, तो इन दोनों कंपनियों को आप शॉर्ट टर्म नजरिए से ले सकते हैं, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म लेंगे तो फिर इसमें फायदा होना ही होना है, बट अगर शॉर्ट टर्म में आपको इस सीजन में ही पैसा बनाना है, अगर आप ट्रेडर हैं, तो ये दोनों कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी कंपनियां हैं, और ये कंज्यूमर ग्रुप की कंपनी है, तो कंज्यूमर में आपको इन दोनों कंपनियों में बहुत ही शानदार रिटर्न की उम्मीद है। अब अगर इसी कंपनी का हम अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट में इसने जो है टोटल एसेट ग्रोथ इसकी 3 साल में 96% की हुई है, और टोटल लाइबिलिटीज भी 96% की बढ़ी है, रिजर्व इसका चेंज हुआ 91% का। अब इसने जो रिटर्न अगर कंपेरेटिव बात करें, कि सेंसेक्स ने जो सेंसेक्स के रेटिव ने -72% का रिटर्न दिया है, तो और इसके बाद 3 साल का रिटर्न की बात करें निफ्टी के, तो उसने 70% माइनस में दिया है। तो आप देख लीजिए कि ये दोनों कंपनी अभी घाटे आपको अभी तक इन्होंने दोनों कंपनियों ने आपको घाटा कराया होगा, पर अब इन कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा, शॉर्ट टर्म इसका मीन्स है मेरा, इस गर्मी के सीजन में आप इन दोनों कंपनियों से अच्छा पैसा बना सकते हैं। पर मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि इन दोनों कंपनियों में निवेश करने से पहले आप अपने जो भी आपका सलाहकार है उससे अवश्य बात करें। अगर आपको इन दोनों कंपनी के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मतलब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी नोट के साथ इस वीडियो को करता हूँ वाइंड अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।